আছে সে ক্ষেত্রে পর্যন্ত আয় হ্যাঁ কব নরু আমাদের সব কব আমাদের पाइनएप्पल का जो ग्रो है पाइनएप्पल जो कल्टीवेशन है 1950 से इसी इलाके में बागरा में चल रहा था तो उस समय हम लोग बच्चा था 1950 के बाद अर्थक्वेक के बाद भी हम लोग देखा है वो हमारा घर का ही सामने वाला में था उनका ही था वो तो जो बागरा वही तो पाइनएप्पल था हम लोग पता नहीं लगता ये क्या चीज है क्योंकि देखने में अलग ही लगता है पता नहीं क्या चीज है फॉल है ना क्या है बसपर में तो बाद में वो ये क्या यहाँ आलोक में भी वो पैनल में हेड रूट बुक के लेके उधर आलोक में भी बेचता था उसी का इंस्पिरेशन जो रास्ता बन गया उस समय से हर जगह में यहाँ हम लोग का बागरा दौजे आंगो हर जगह में डॉके ये बांगो का हर जगह में उसको बेचना शुरू किया रास्ता में बैठ बैठ कर काफी हमारा यहाँ जो जितना भी एजुकेटेड है जो भी एजुकेशन रिसीव किया है टेक्निकल जो भी हो अभी जितने ऑफिसर्स यहां से निकला है हम बोलने से 90% पाइनएप्पल बेच के इकोनॉमी के लिए कम से कम सस्टेनेबल करके उन लोग को पढ़ाया गया ये पाइनएप्पल हम लोग का जान है ये पाइनएप्पल के लिए हम लोग जिया जैसा हमको लगा है। मैं इस भूमि को नमन करना चाहता हूं तहे दिल से मैं नमन करना चाहता हूं स्पेशली बागरा के दिए तत्काल इसलिए मैं नमन करना चाहता हूं कि मेरा दोस्त जो 36 साल से 36 इयर्स बैक हम दोनों दोस्ती कर रहे हैं बहुत दोस्ती करता होगा लेकिन ली बगरा साहब को जो मत्ती को जिसने जन्म लिया उसमें हम नमन करना चाहता हूं मैं नमन करता हूं। आपका जो ये पाइनएप्पल का जो कल्टीवेशन मैं पढ़ रहा था इट हैज स्टार्टेड वे बैक इन 1950s विच इज 74 ईयर नाउ। इससे पता चलता है कि आपका सभ्यता कितना पुराना है आपका सिविलाइजेशन कितना पुराना है और आप 74 ईयर से आप पाइनएप्पल फील्ड्स ये कल्टीवेशन कर रहा है
और इसके वजह से आप लोग को कितना बेनिफिट मिला। मंत्री जी भी बता रहे थे कि जितने भी आज यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छा सरकारी नौकरी में है या एंटरप्रेन्योर्स है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस पाइनएप्पल एंड दिस शुड बी द बेसिस ऑफ योर यू नो कल्चर, दिस शुड बी द बेसिस ऑफ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दिस शुड बी द बेसिस ऑफ यू नो प्रमोटिंग द एनवायरमेंट। जैसे बता रहे थे कि कार्बन फुटप्रिंट को आपने कैसे कम किया थ्रू पाइनएप्पल कल्टिवेशन, और जिस तरीके से इकोलॉजी को आप कैसे सेव कर रहा है, तो उसके बावजूद भी जो ये सब है तो नॉन टेंजिबल थिंग है, दिखता नहीं है लेकिन हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखता है। वी डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू ऑल दिस इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद जो हमारे डे टू डे जो हमारे यहाँ पे जो हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इकोसिस्टम में इफेक्ट पड़ रहा है उसको पता नहीं चलता, लेकिन आपका ये जो इतना बड़ा एक वरदान है इससे आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ में इकोलॉजी को आप पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हो, कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हो, इसके बाद यहां में आप क्लाइमेट चेंज को भी फाइट कर रहे हो। हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। आप 74 ईयर से आपने यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एनवायरमेंट एंड टू इकोनॉमी ऑफ दिस प्लेस। जो आपका अपना प्रेसिडेंट श्री दुमर बगरा जी का 1 पॉइंट उन्होंने जो रिक्वेस्ट यहां पे दिया हुआ है कि अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल को एक एनुअल कैलेंडर इवेंट के जोर पे यहां पे घोषणा किया जाए बोल के रिक्वेस्ट किया गया है। इसमें हम लोग टूरिज्म के क्षेत्र से टूरिज्म का एंगल में बहुत सारा इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक हो गया, तवांग फेस्टिवल हो गया, इसके बाद दम्बुक ऑरेंज फेस्टिवल भी हो गया, तो ये टूरिज्म एंगल से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से भी हम लोगों का स्टेट एक एनुअल फेस्टिवल है वो पाकी केसंग एरिया में पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट का तरफ से आयोजन कर रहा है। तो आप लोगों का ये पाइनएप्पल को लेते हुए मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को कहूंगा कि इसको अपना डिपार्टमेंट का एक एनुअल इवेंट घोषणा करने के लिए हर एक साल आप लोगों का यहाँ पे इस इवेंट को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए से यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। अरे तो दुबई बेस्ड कंपनी का साथ में हमारा एमओयू हो चुका है मार्केटिंग बोर्ड के जरिए से 5 साल के लिए। अभी अरुणाचल प्रदेश से हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिडिल ईस्ट कंट्री में यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा फार्मर्स के लिए ये बहुत अच्छा एक न्यूज है। इसका कोऑर्डिनेशन जो है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो आने वाला दिनों में अपने देश में भी ऐसे बहुत सारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बेस्ड कंपनीज हैं, उनके साथ भी हमारा राज्य सरकार का साथ में एमओयू चल रहा है ताकि बेनिफिट डायरेक्टली आप लोगों को मिले। और हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पे एक्चुअली सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम था क्योंकि इस बागरा एरिया में 1950 से जो पाइनएप्पल का जो कल्टीवेशन हुआ है, तो ये बीच में जाके पहले तो अच्छे से प्रोफेसर हुआ मगर बीच में वेरियस इश्यूज के कारण से फिर उसको कंटिन्यूटी कर नहीं पाया, मगर अभी यहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं और यहाँ के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और यहाँ के जो यूथ लोग हैं उन सभी लोग ने अभी ये एक फैसला लिया है कि इसको रीगेन करेंगे दी लॉस ग्लोरी को, और सरकार की ओर से हम लोग पूरा इसमें सहयोग करेंगे। ऑलरेडी राज्य सरकार में हम लोग ने आत्मनिर्भर स्कीम्स को लास्ट पिछले कई सालों से हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है, उसके ज़रिए से भी मदद करेंगे। और ब्रॉडली मैंने कहा कि सियांग बेल्ट में वैसे काफ़ी पोटेंशियल एरिया है हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लेते हुए, और इसको फर्दर फिर हैंड होल्ड करने के लिए सरकार की ओर से इस रीजन में हम लोग एक मिनी फूड ये प्लांट भी हम लोग यहाँ पे सेंक्शन करके देंगे ताकि उस मिनी फूड प्लांट में जो प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जितने भी हैं उसमें बैठा पाएगा ताकि फार्मर्स को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएंगे।